तो ये है वो सील जिससे नाइन टेल फॉक्स को कैद किया गया था। एक एट साइन सील के अंदर एक डबल टेट्राग्राम सील, ताकि अगर कोई डीमन का चक्र टेट्राग्राम सील से बाहर निकल भी जाए तो उसे इस लड़के के चक्र में भेजकर कंट्रोल किया जा सकता है। फोर्थ होकागे ने इस लड़की की सुरक्षा के लिए ऐसा किया, पर अभी हाल ही में इस पर एक फाइव पार्ट सील भी बनाई गई है। इवन और ऑड नंबर वाली सील्स एक दूसरे के ऊपर बनी है। अब समझ आया, इसी वजह से लड़के का चक्र और डीमन का चक्र आपस में ढंग से मिक्स नहीं हो पा रहे, इसलिए ये अपने चक्र को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता। ये जरूर किसी और का काम है, इसका फॉर्मूला सही नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है इसे ओरोचिमारु ने बनाया है। ये तो बड़ा ही अजीब सा वार्म अप लगता है। Five strong seal release!